नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, जैसे ही देखिए एक वर्ष बीतता है, जैसे ही दूसरा वर्ष आना शुरू होता है, हर किसी के मन में ये जिज्ञासा जाग जाती है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो वर्ष है, हमारे जीवन के अंदर कैसा आने वाला है या क्या परिस्थितियां आने वाली है। या यूं कहें, जब आधा वर्ष ही बीतता है तो मन में टेंशन ये नहीं होती कि अभी का वर्ष कैसा जाएगा, हमारे मन में जिज्ञासा जागने लग जाती कि आने वाला जो वर्ष है, आने वाला जो समय है, वो हमारे लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, जैसे ज्योतिष के माध्यम से हम जानते हैं, जैसे हमारी 12 राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 राशियां, उसके अनुसार हम फलादेश लेते हैं कि जीवन के अंदर कैसी परिस्थितियां बनेंगी, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या रिश्तों में तनाव आएंगे, या क्या परिस्थितियां शुभ बनेंगी, हमें क्या प्रोग्रेस मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से चीज़ें कैसी हैं, जीवन में कोई धोखा तो नहीं मिलने वाला, हमें हमारा मनचाहा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम प्रॉपर्टी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, या जीवन में लाभ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी परिस्थितियां हमारे मन में चलती रहती है। बस मन के अंदर चलता रहता कि क्या होगा हमारे जीवन के अंदर, कैसा होगा हमारा आने वाला वर्ष। और विशेष तौर पे देखें, 2020 जैसा सबके लिए गया है, तो हर किसी के मन में जिज्ञासा है ये जानने की कि 2021 आपके लिए कैसा जाने वाला है, या हमारे लिए 2021 कैसा जाएगा, या क्या परिस्थितियां बनेंगी, कहीं 2020 की तरह ही तो नहीं होगा कि हमारे लिए 2021 भी जाए। ये सारी जिज्ञासा को दूर करने के लिए एस्ट्रो योगी ने एक कदम उठाया है, लेकिन इस बार आपको आपकी राशि के अनुसार यहाँ पे फलादेश नहीं मिलेगा, आपको अंक ज्योतिष के अनुसार, आपके अंकों के अनुसार फलादेश बताया जाएगा। अब देखिए, अंक ज्योतिष, आप सोचेंगे कि अंक के अनुसार कैसे फलादेश बताया जाएगा, जैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसी तरीके से देखिए हमारा अंक शास्त्र भी है। कहीं ना कहीं जो लाभ अच्छी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर होती है, बुरी चीज़ें होती है, जब हम ज्योतिष शास्त्र 9 ग्रहों का वर्णन करते हैं कि कहीं ना कहीं 9 ग्रह है, 12 भाव है, 27 नक्षत्र हैं, लेकिन जो अंक ज्योतिष आधारित होती है उसके माध्यम से भी हम अपने जीवन का फलादेश पा सकते हैं। अंक ज्योतिष देखिए जो आधारित है, 1 से लेकर 9 नंबर पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 9 नंबरों के ऊपर आधारित है, असल में ये भी 9 ग्रहों के ऊपर आधारित है। जैसे मूलांक 1 के लिए देखिए जो होता है, 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 बृहस्पति का है, 4 राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 केतु का है, 8 शनि का है और 9 मंगल का है। अब इसमें बस ये होता है कि आपकी कुंडली नहीं बनती, लेकिन आपके मूलांक के अनुसार, या जब हम डीपली एनालिसिस करते हैं अंक ज्योतिष में, आपके भाग्यांक के अनुसार आपको, या आपके मासिक अंक, नामांक, इन सब चीजों का समावेश करके फलादेश बताया जाता है। लेकिन एस्ट्रो योगी ने सोचा कि क्यों ना आपके मूलांक के ऊपर भी आपको कुछ फलादेश वर्ष 2021 के अनुसार दिया जाए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो अंक हैं, आसपास जो आंकड़े आपके घूमते रहते हैं नंबरों के, अंकों के, उसके माध्यम से भी आपको पता चल सके कि वर्ष 2021 में आपके जीवन में क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या उतार चढ़ाव आएंगे और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए, हमारे जीवन के अंदर अंक चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी आयु, जैसे कोई बच्चा 1 साल का हुआ अंक 1, 2 साल का हुआ अंक 2, ऐसे 1 से लेकर जब तक उसकी आयु है, अंक चारों तरफ है। मोबाइल नंबर, हमारा बॉडी वेट, कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट नंबर, हमारा पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, कहाँ अंक नहीं है। पूरी दुनिया जो है अंकों के माध्यम से ही घूम रही है। उसी तरीके से तो ये अंकों का सोचा जाए तो हमारे जीवन के ऊपर कितना विशेष प्रभाव पड़ता होगा। उसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना अंकों के आधार पर वीडियो बना के भी आपकी जिज्ञासा को दूर किया जाए। और छोटी छोटी टिप्स अगर आप अंक ज्योतिष की फॉलो करते हैं, उससे भी आपके जीवन के अंदर विशेष लाभ होता है। जैसा आपने देखा होगा, आजकल एक प्रचलन है कि कहीं ना कहीं हर कोई अपने नाम के अक्षर में जो है कुछ अक्षर ऐड करता है, कुछ डिलीट कर देता है, तो उससे उसको विशेष तरक्की मिलने लग जाती है। ये अंक शास्त्र है। शुभ लोग अपने बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं, लकी कार के जो नंबर होते हैं, जो 4 डिजिट नंबर होता है, वो अपना एड्रेस ऐसा लेते हैं ऑफिस का, घर का, कि उनको लाभ हो, और लाभ मिलता भी है, तरक्की मिलती भी है। तो कहीं ना कहीं जितनी शक्ति हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर है, उतनी ही शक्ति हमारे अंक शास्त्र के अंदर भी है, और इसको एक आम इंसान भी सरलता से कहीं ना कहीं समझ सकता है। तो वर्ष 2021 के लिए हम जानेंगे कि अंकों के अनुसार आपके जीवन में क्या परिस्थितियां रहेंगी, या क्या उतार चढ़ाव रहेंगे,
उम्मीद करता हूँ जो मैं वीडियोस आपको बताऊंगा एक एक अंक के बारे में आपको लाभकारी लगेंगी, आपको उससे लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारे मन को भी खुशी मिलेगी कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो अब वीडियो की अंकों की शुरुआत एक एक करके करते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए भविष्य वर्ष 2021 हमारे अंक के अनुसार कैसा जाने वाला है। पहले हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे कि वर्ष 2021 मूल अंक एक के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। अब देखिए, आप सभी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि मूल अंक एक क्या होता है। देखिए, जो आपकी बर्थ डेट होती है, अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूल अंक एक माना जाता है अंक ज्योतिष के अनुसार। तो अगर देखा जाए वर्ष 2021 आपके लिए कैसा जाने वाला है, देखिए वर्ष 2021 का जो मूल अंक बनेगा वो बनेगा 5। अगर हम पूरे वर्ष 2021 को टोटल करेंगे वो 5 के ऊपर आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको जीवन के अंदर नई शुरुआत देगा। फाइनेंशियल स्थिति अगर देखा जाए आपकी वर्ष 2021 के अंदर बहुत मजबूत रहने वाली है। बिजनेस कामकाज को लेके नौकरी में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इससे शुक्र का जो है कि प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। अगर हम 1 और 5 को प्लस करेंगे तो वो प्लस होके 6 बन जाता है, यानी कि शुक्र का अंक। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी के विशेष तौर पे योग बनेंगे मूल अंक 1 के जातकों के लिए वर्ष 2021 में। साथ ही अगर देखिए, आप बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे कि आपको नौकरी मिल जाए या आपकी यशमान प्रतिष्ठा बढ़े, आपको प्रमोशन मिल जाए, तो वर्ष 2021 आपके लिए बड़ा बेहतरीन वर्ष साबित होगा। ट्रैवलिंग के भी जो है कि देखिए योग नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग होगी। विशेष तौर पे देखिए विदेश यात्रा के योग ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं अंक ज्योतिष के अनुसार। अगर देखा जाए तो आपकी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग वर्ष 2021 के अंदर होगी। ट्रैवलिंग का मैंने आपको बताया। स्वास्थ्य संबंधी देखिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि समस्या रह सकती है। बीच बीच में देखिए आपको कोल्ड कफ वगैरह जो है कि ज्यादा रह सकता है और कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा आपको अपने वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ष 2021 में आपका वजन बढ़ सकता है स्पीड से, क्योंकि देखिए शुक्र का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं इंसान खाने पीने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करता। हर किसी को रहता है कि मौज मस्ती से हमें अपना जीवन जीना है, क्योंकि देखिए लग्जूरियस लाइफ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को भूल जाए, कि बहुत ज़्यादा आप जो है खाने पीने की तरफ अपना ध्यान लगा दें ताकि आपका वजन बढ़ जाए। इस चीज़ का विशेष तौर पर आपको वर्ष 2021 के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन वर्ष आपके लिए ये जाने वाला है कि हो सकता है देखिए किसी का प्रपोजल आपको आ जाए, या फिर आपके नए जीवन की रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाए, या फिर ये भी परिस्थिति बन सकती है जो शादी के लिए बड़े समय से प्रयास कर रहे थे मूल अंक 1 के जातक, तो उनके लिए वर्ष 2021 में शादी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा, तो विशेष तौर पर आपको इस चीज का भी लाभ मिलेगा। और देखिए जहां तक देखा जाए संतान होने के योग भी बनते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए वर्ष 2021 आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। कई नई अपॉर्चुनिटीज मूल अंक 1 के जातकों के लिए जीवन में आएंगी। वर्ष 2021 में आपने करना क्या है, देखिए अपने उल्टे हाथ के ऊपर 37 नंबर जरूर लिखिएगा। 37 नंबर लिखने से क्या होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी होंगी। अब देखिए हाथ पे लिखना, जो अंक मैंने आपको बताया 37 नंबर लिखना है, वो लिखना कहाँ है, अपने उल्टे हाथ पे आपने इस जगह के ऊपर नीले पेन से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको लिख के रखिए, आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। क्योंकि विशेष तौर पर जहां तक देखिए मैंने आपको बताया कि आपके जॉब के योग बन रहे हैं बहुत अच्छे, और कुछ खास महीने जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे, जैसे देखिए अप्रैल का महीना आपके लिए वर्ष 2021 में बहुत बेहतरीन साबित होगा, और साथ ही साथ अगस्त और जुलाई का महीना भी अगर देखा जाए अंक ज्योतिष के अनुसार आपके लिए मूल अंक 1 के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। एक चीज बस मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए देखिए लग्जूरियस लाइफ आप वर्ष 2021 में जीने वाले हैं, आपको पैसा भी मिलेगा, रिश्तों में भी जो है कि बढ़ोतरी होने वाली है, संतान सुख मिलेगा, ट्रैवलिंग होगी, जॉब व्यापार हर चीज़ के लिए अगर देखा जाए वर्ष 2021 आपके लिए अच्छा है। लेकिन मूल अंक 1 के जातकों में बस एक कमी होती है, कई बार अपने अहंकार के कारण, या कई बार देखिए क्योंकि सूर्य है वो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं यशमान प्रतिष्ठा है, तो जब आपको ज़्यादा यशमान प्रतिष्ठा मिलती है अहंकार बढ़ जाता है, उसके ऊपर ज़रूर आप काम करिएगा, अपने गुस्से के ऊपर ज़रूर काम करिएगा कि ऐसा ना हो कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी आप खुद ही अपने गुस्से की वजह से या अहंकार की वजह से मार लें। अब देखिए ये थी बात मूल अंक 1 के जातकों के लिए। जैसा मैंने आपको एक देखिए टिप दी, साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मूल अंक 1 के जातकों को
सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनको आदित्य स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे विशेष तौर से आपका जो मूलांक का प्रभाव है वो आपके ऊपर सही तरीके से पड़ता है, और अगर सही तरीके से आपके ऊपर आपके मूलांक का प्रभाव पड़ेगा तो यश मान प्रतिष्ठा आपके जीवन में बनी रहेगी। तो ये चर्चा की हमने मूलांक एक के जातकों के लिए, अब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि मूलांक दो के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक जरूर करें, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ज्योतिष से संबंधित और वीडियोज भी समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी, और आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी विशेष तौर पर समय समय पर आपको मिलती रहेगी। और वीडियोस को शेयर अधिक से अधिक करें ताकि आपका भी लाभ हो और आपके अपने जो करीबी हैं, जो आपके अपने, उनका भी लाभ हो, उनको भी ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से प्राप्ति हो पाए कि उनका आने वाला समय कैसा है या क्या उनके जीवन में परिस्थितियां बनने वाली हैं। तो अनुरोध आपसे यही है, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा प्यार आप सभी दर्शकों ने एस्ट्रो योगी के साथ इतने वर्षों से बना रखा है उसको बनाए रखें, और एक एक करके हमारे एस्ट्रो योगी के परिवार के साथ आप सभी जुड़ते रहे। हम ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं। नमस्कार। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।